कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने अपने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से बचते हैं, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते और विवाद खड़ा करना उनका मुख्य शगल है। भोपाल पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दो चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हो गई है, वो सो नहीं पा रहे हैं। पहले 18 घंटे जागते थे, अब 23 घंटे जागते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के बाद 24 घंटे जागेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा को अपने 10 साल के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देते, देश में नए विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। विवाद पैदा करना ये ऐसी बीमारी है जो भाजपा लाती है और ये बीमारी लोकतंत्र को बहुत भारी पड़ेगी। कारण बहुत स्पष्ट है, आप लोग सब जॉब में हैं, अप्रेजल होता होगा कितनी स्टोरीज, कितने की, कितने एक्सक्लूसिव कौन लाया, ये अप्रेजल होता है। हम सबका भी अप्रेजल होता है, पॉलिटिक्स में भी अप्रेजल होना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में हैं तो आपने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आना चाहिए। आप उस रिपोर्ट कार्ड को देश के सामने नहीं लाएंगे, देश के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं देंगे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विपक्ष को ताने मारेंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे और देश का ध्यान फिर बांटने की कोशिश करेंगे, देश में नए विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस देश में भाजपा ला रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।